रघु सिंघानिया, उसकी पत्नी शैलजा सिंघानिया और बेटी अनामिका। रघु सिंघानिया को यूएई में आकर 32 साल हो चुके हैं। 200 लोगों को रोजगार देने वाला इनकी 3 एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन कंपनी थी। ढेर सारे ऑर्डर्स, अयाशी की जिंदगी, अचानक से सब कुछ हाथ से चला गया। एम्बेसी सेल्टर में रहने वाले सैकड़ों लोगों के बीच में सरकार की तरफ से फ्री टिकट पाने वालों में इनका भी नाम है। अभी हम बताने जा रहे हैं इस परिवार की कहानी। मैथ्यू और उसकी बीवी है रेनू मैथ्यू। खुराना को 28 साल हो चुका है। मिडिल ईस्ट कंट्री में आकर होटल बॉय से अपना कैरियर शुरू किया। कुछ ही सालों में 3 स्टार होटल और 2 डांस बार का मालिक बन गया। उसकी बीवी रेनू यूएई में दुबई की बहुत नामचीन ब्यूटिशियन थी और खुद ही एक इवेंट मैनेजमेंट की मालिक होने की सोच अपना ब्यूटिशियन भी चलाती थी। बिजनेस से आई हुई कमाई को दोनों दुबई में ही इन्वेस्ट करते थे। गाड़ियां, घर, प्रॉपर्टीज सारे थे। अचानक से सब कुछ हाथ से निकल जाता है। अरबी लोगों का दिया हुआ होटल स्टोर रूम में फिलहाल दोनों ठहरे हुए हैं। खुराना टैक्सी चलाता है और बीवी रेनू अरबी लोगों का कर्ज चुकाने के लिए अपना जिस्म बेच कर आती है। रघु सिंघानिया और उनकी पत्नी शैलजा सिंघानिया और बेटी अनामिका। रघु सिंघानिया को यूएई में आकर 32 साल हो चुके हैं। 200 लोगों को रोजगार देने वाली इनकी एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन की कंपनी। ढेर सारे ऑर्डर्स, अय्याशी की जिंदगी। अचानक से सब कुछ हाथ से चला गया। एम्बेसी शेल्टर में रहने वाले सैकड़ों लोगों के बीच सरकार की तरफ से फ्री टिकट पाने वाले में इनका भी नाम है। हम अभी बताने जा रहे हैं इस परिवार की कहानी।
तुम पानी लोगे? कॉफी कॉफी। कितनी बार भूल चुकी हूँ फोन करके पता करने के लिए। वड़े वड़े वड़े। अरे जा रही है। हेलो, शैल आई स्पीक टू मिस्टर संजय नावेकर? हेलो हेलो। हाँ हाँ, दे दो एक मिनट, ये लो। हेलो हेलो, मारुति स्वामी है क्या? हैं? हाँ हाँ, स्वामी बोल रहा हूँ, बोलो। हेलो। कितनी बार बोला तेरे को नाक में जर्दा मत डाला कर। हेलो। हाँ बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। स्वामी जी, मैं हूँ नटराजन। अभी कहाँ पहुँचे हो? अभी हमने सोलापुर क्रॉस किया है। अच्छा अच्छा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? कोई तकलीफ नहीं। अच्छा सुनो, 9 और 80 के बीच में एक नंबर बताओ। 9 और 80 के बीच का नंबर? 10 बोलो 10। नंबर है 79। 7 और 9, ये तो शुक्र ग्रह की राशि है। हाँ। तुम्हारा काम सफल होगा, पक्का है। लेकिन फिर भी जरा होशियार रहना, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो अरे बापरे, एक आदमी गड़बड़ कर सकता है। रेवती नक्षत्र का है। कट कर दिया। तेरी तो ऐसी की तैसी। हाँ इसको अगर वड़ा कहूंगा तो तुम्हें मुझे अमिताभ बच्चन कहना पड़ेगा, आमिर खान कहना पड़ेगा, तुमको सलमान खान कहना पड़ेगा। भाई तुम्हारा मेरा जो शरीर है वो एक मंदिर की तरह है, ये 2000 साल पहले ऋषि महात्माओं ने बोला है। इसीलिए इस शरीर को संभाल के रखना, पवित्र रखना हमारा काम है। लेकिन ये वड़ा खा के हमारा शरीर इस शौचालय जैसा हो जाएगा, समझा? इसको देख के भगवान भी भाग जाएगा। आजकल हमारे शरीर के अंदर भगवान जो रहना नहीं चाहते, उसका कारण हमारा खाना भी है, पता है तुम्हें? डू यू नो दैट? वड़े 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 वड़ा वड़ा वड़ा, यही है वड़ा, खा के देखो, वड़ा खाओ। आप किस शहर से हो? रत्नागिरी जा रहा हूँ, नागमणि। थोड़ा सर के बड़े
चार्जर अभी दे देती हूँ। नहीं देगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। सुनो, इस ट्रेन में चढ़ने से पहले मैंने 3 पैक लिया था। तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं, मतलब मैंने जो भी बात किया सच सच। हाँ, बस मुझे यही जानना था। अरे संजू भाई। अरे अरे तुम तो मसाला फिल्म के हीरो हो ना? हाँ हाँ मैं ही हूँ। कैसे हो? प्लीज कम, प्लीज कम, आ जाओ आ जाओ। बोझे ना तो केउ केनो तोरी मिछे बाओ बाओ रे नदी भरा ढेउ। आसाम से काम ढूंढते हुए केरला में आकर इधर एक फिल्म में एक्शन करके हीरो बन गया। बहुत होशियार है ये लड़का, कोई मामूली बात है क्या? केरला के लोग तुम्हें सुपरस्टार बना देंगे, मगर याद रखना गाना मत गाना, समझे ना? जिंदगी में परेशान नहीं होना चाहिए, जिंदगी बहुत छोटी सी है, हम लोगों को उसे समझना चाहिए, उसे एंजॉय करना चाहिए। प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। समझ में नहीं आता, बेवकूफ कहीं का। कॉफी कॉफी। अरे जल्दी आओ। नंबर मिल गया, उसका नाम हट्टी रेड्डी है, शंकरगढ़ से वो हमारे साथ आएगा और सही जगह का पता उसी को पता है, उसका साथ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक कहा। गुमतूर में आर्यपुरम एक बार है, फेमस बार है, फ्लाइट में सिर्फ बिजनेस क्लास में जाने वाला नटराज नाम का मालिक क्यों यहाँ स्लीपर क्लास के बाथरूम के बाजू में बैठा है वो भी छिपकर मैं नहीं पूछूंगा। कहा जा रहा है ये भी नहीं पूछूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है, तुम ये पकड़ लो आराम। इसे कैसे पता चला? ये क्या बोल रहा है, इसे सब पता है क्या? तुम्हें एक लात मारूंगा ना। मुझे क्यों बोल रहे हो? चलो बैठे बैठे थोड़ी खाई नहीं खाई जाए, पूरा खींचो उसको, चल इधर आ। अरे ये किधर गया? अरे केला खाया ना तो बाथरूम में होगा। कोई आ तो नहीं रहा है ना? कोई नहीं है। हेलो हेलो स्वामी, मैं हूँ। क्या हुआ स्वामी? आपने जो कहा वो सच निकला। हाँ, एक आदमी गाड़ी में चढ़ा है। अच्छा, आप 40 से 70 के बीच का कोई नंबर बताओ मुझे, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा 40 और 70 के बीच में? हाँ 50 बोलो 50। चुप रहे, नंबर है 59। ये तो ऋषभ राशि है, पहाड़ के पानी के जैसा आते जाते रहेगा, अगर तुम संभल के रहना, समझे? नहीं तो हेलो हेलो वो आ रहा है। अरे बाप रे,
सुनो जरा रुको ना। ए हम लोग कहाँ जा रहे हैं जरा बताओ तो। तुम मुझसे पूछ रहे हो? अरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हें पता है ना, तो बताओ हमें। बताओ क्या? आ जाओ। तुम लोग जहाँ जा रहे हो उसी जगह पर मैं भी जा रहा हूँ, हम वहीं पर मिलते हैं। मेरे पूरे 16 बार बंद पड़े हैं। क्या बोल रहे हो? मेरे पूरे 16 बार बंद पड़े हैं। उनमें से कुछ बार चालू करने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा खिला कर रखा था। तभी मारुति स्वामी ने बोला नागमणि लाकर पूजा में रखेगा तो सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, और वो जो भी बोलते हैं सच होता है। लेकिन ये जो चीज है वो मिलनी चाहिए ना। तभी मुझे पता चला कि रत्नागिरी में यह चीज मिलेगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से हम वहाँ जा रहे हैं। सर हम पे जरा दया करो, बदले में आपको जो चाहिए वो मैं आपको दूंगा। इधर है, इधर रखा है। देंगे, जरूर देंगे। क्या भाई साहब, इधर देखो। इसे पढ़ने से पता चला कि किधर का है, आर्यपुरम बार। रिजर्वेशन चार्ट में भी देखा तो नाम मिला। बस इतना ही, आप लोग कहीं भी जाओ मेरा रास्ता अलग है। सुनो एक सलाह देता हूँ, ये चोरी मर्डर नागमणि जैसी बातों पे तुम लोग ध्यान मत दो, समझे? किसी को जानने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, समझे? कितनी बार मैंने फोन किया, फोन क्यों नहीं उठाया? रसोई में कोई भी सामान नहीं है। मैंने सिम चेंज कर दिया, नया नंबर लिया है। ऐसे सिम बदलकर घर बदलकर कब तक जिएंगे? तो फिर मैं क्या करूं? हम इससे पहले कहीं मिल चुके हैं। सुबह से ट्रेन में ही तो हैं, मिल चुके होंगे। हाँ, एग्जैक्टली। वही सोच रहा था, इसलिए जरा सा। हर एक की जिंदगी एक जंगल जैसी होती है भाई। इसके अंदर कौन है, कैसा है, कुछ पता नहीं। इस कंपार्टमेंट के यात्री लोगों के बारे में जरा सोच कर देखो, हंसते खेलते बातें करते हुए आज के दिन निकल दिया, लेकिन कल का क्या होगा किसको पता। एंड्रू स्टोनी एंड्री, इसके दो बच्चे लोग, एक बड़ा लड़का हार्ट पेशेंट है, ये लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। अभी अभी फोन पे अपने घर वालों से झगड़ रही थी अपने घर के हिस्से के लिए। मुंबई में नर्स का काम करती है, साथ ही कैंसर की पेशेंट भी है। इनके दो जवान लड़के भी हैं जो इनके साथ चल रहे हैं, नीरज अमला। ये दोनों ऐसे बैठे हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं, अलग अलग सीट पे बैठे हैं। ये सफर इन्हें साथ में गुजारने से बेहतर व्हाट्सएप पे गुजारना अच्छा लगता है। और नागमणि को ढूंढने के लिए रत्नागिरी के लिए निकल पड़े हैं नटराज और चंद्रान। अपनी पहली पिक्चर को अपनी माँ को दिखाने के लिए आसाम जाने वाला है मंगल, और इनसे मिलो। भोपाल की फैक्ट्री में आग लगने से कई लोगों को परेशानी हुई, उनके लिए लड़ने जा रहा है मुंबई के कोर्ट में फादर जयसूर राजन। इनकी समस्या और हमारी समस्या काफी अलग है। तुम कभी आसाम गए हो? मेरा बचपन आसाम में ही गुजरा है, सच में। मेरी वाइफ वहीं की थी, शादी के बाद हम दोनों वहीं रहते थे। हमें वो जगह बहुत अच्छी लगती। What a beautiful land। उस दिन से मुझे प्यार का, मोहब्बत का एहसास होने लगा। You know, I am an animator by profession। भुवन भाई के दो गानों का एनिमेशन का काम मैंने ही किया। বিস্তীর্ণ পাড়রে অহংখ জনরে হাহাকার। সচ মে আজ জিস আদমি সে মে ট্রেন মে মিলা ও বহুত আচ্ছা হ্যায়, মুঝে ইয়কিন হ্যায়, ইসে মে কহি তো মিলা হো, কহা মিলা হো। বিস্তীর্ণ পাড়রে অহংখ জনরে হাহাকার।
अच्छा मैं देख लूंगा। अरे भाई ये ट्रेन क्यों रुक गई? अरे भाई लगता है गाड़ी खराब हो गई है। ट्रेन को यहाँ से आगे जाने में 24 घंटा लग सकता है। आनंद रामन, CEO एंड चीफ एडिटर, प्रवासी चैनल, एम आई राइट? मैं कुछ दिन VAE में था। आई एम जॉन डेविड। हाय। पूरी गड़बड़ हो गई। कल एक अर्जेंट मीटिंग है कारवार में, अब क्या करें? ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया और फ्लाइट मिस हो गई। भाग दौड़ के ट्रेन पकड़ी और ये भी लेट। हेलो हेलो, मारुति स्वामी है ना? मैं नटराज बोल रहा हूँ। लगता है कि गाड़ी बहुत देर तक रुकने वाली है। हे, यहाँ बैठने से बेटर बाहर चलते हैं। चलो चलो, प्लीज कम। ये लो। भाई दो नींबू पानी। हाँ दो जूस। आप कहाँ जाने वाले हो? कारवार का टिकट। अब कल अगर ट्रेन निकलेगा तो कारवार जाने का चांस नहीं है। मंगलावरम से दूसरे रोड से जाएगी। मैंने अभी रेलवे हेल्पलाइन से बात की है। एक जूस। हाँ, ये बाय रोड कारवार जाने के लिए कैसे जाना होगा? कार बस तो नहीं मिलेगा आपको यहाँ से, ट्रक वगैरह कुछ मिल सकता है आपको यहाँ से। हाईवे पकड़ के जाओगे तो 20 किलोमीटर पर एक मंदिर है, वहाँ से तुमको बस वगैरह मिल जाएगा। वहाँ से 20 किलोमीटर है, वहाँ से तुम पहुँच जाओगे। तो क्या सोचते हो तुम, हम यहाँ रुके या? शादी हो गई? लव मैरिज? मेरी भी। लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, मार्केस की किताब पढ़ी है तुमने? उनकी एक कहानी है जिसमें कहानी का हीरो युद्ध करके लौटता है और वो अपने प्रियसी से मिलना चाहता है पर वो उससे नहीं मिल पाता है। आसाम के एक अनाथ आश्रम में, मलयालम के एक स्कूल में, वहाँ के फादर द्वारा पाला पोसा एक अनाथ हूँ मैं। हफ्ते में एक दो बार रेलवे कॉन्ट्रैक्टर अपनी बेटी के साथ आश्रम में आता था। तब उसकी उम्र 10 साल रही होगी। थोड़ी भी आश्रम की परवाह न करते हुए उसे देखते ही मैं उसके प्यार में पड़ गया। मैंने उससे अपने प्यार का इजहार हर तरीके से करने की कोशिश की पर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। 10वीं की एग्जाम खत्म हो गई थी। आसाम से अपने सारे कामों को खत्म करके वो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर अपने गांव चला गया। पहाड़ों के ऊपर से धड़क धड़क करते जाने वाली ट्रेन देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अलग अलग शहरों में मेरी जिंदगी बीतती गई और मैं कार्टून बनाने लग गया। एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर मैं काम कर रहा था UAE में। तब मेरी उम्र 40 साल थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे सपनों की राजकुमारी यहीं आसपास है। हन्ना,
हन्ना पीछे बैठी थी, जॉर्ज गाड़ी चला रहा था। मैंने उसे कई बार देखा मगर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा भगवान ने ऐसी गलती क्यों की, किसी और की अमानत किसी और को सौंप दी। तभी मेरी मुलाकात जोसेफ से हुई जो हन्ना के पिताजी थे। मैंने उनको अपना परिचय दिया और उनका अच्छा दोस्त बन गया। जब भी मुझे समय मिलता तो मैं उनके साथ वक्त बिताता था, क्योंकि मुझे हन्ना से भी तो मिलना था। जैसे सोचा वैसे ही हो रहा। बेटी सुबह चली जा रहा। नहीं पापा, जाना है। अरे जॉर्ज वेट कर रहा है, जाओ जल्दी जाओ। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, जैसे कि किसी ने मेरी आंखें बंद कर दी हो। उसी दिन से 3 महीने के बाद एक कार एक्सीडेंट में जॉर्ज मर गया। नसीब अच्छा था कि हन्ना बच गई। क्योंकि उसे पीछे बैठने की आदत जो थी। तुमसे प्यार करता हूं। मुझे सारी बातें सपने जैसे लग रही थी। अब तक मैं सोच रहा था कि वो मुझे मिलेगी या नहीं, और आज वो मेरे साथ में थी। एक्टिव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फॉल्स। पुश एंड पुल एन एक्टिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फॉल्स। मिसेस हुन्ना प्रिंसिपल के ऑफिस में आए, जल्दी। ओके, आई विल बी राइट बैक। इस एनिमेशन में जो कैरेक्टर हमने चुने हैं वो एक स्कूल से रिलेटेड है, कुछ बच्चों से रिलेटेड है, कुछ टीचर से रिलेटेड है। मतलब हमारी सारी स्टोरी जो है वो टीचर और स्टूडेंट को लेकर है। इट्स अ फनी, है ना? इसमें हन्ना भी है। अरे सर, कम ऑन, यू कैन। नो आई कांट। कम ऑन। ठीक है। टॉक टू माय फादर। रियली? उस दिन के 3 महीने बाद हमारी शादी हो गई। उसके माता पिता ने फॉर्म आइलैंड में एक रिसोर्ट बुक किया। वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। Go away, go away. Don't try to scare me of love. दर्द
चले हम दूर गए आज हो समझी आजमा कर दर्द नहीं है प्यार में समंदर की गहरी भाई लोग ये लॉरी यहीं तक की है उतरो उतरो हाईवे जाने के लिए गाड़ी मिलेगी अभी नहीं मिलेगा सुबह देखना पड़ेगा बनाना अरे कुछ तो ले लो नहीं अभी मेरा मूड नहीं है आनंद तुम्हारी कोई समस्या है क्या बताओ ना अगर ऐसा कुछ है तो दिल खोलकर अपनी बात बता दो हर समस्या का समाधान है मेरे पास मुझे लगता है कि हमारी कहानी एक जैसी ही हो सकती है सच्चे प्यार को अगर पाना है तो ओशो ने सही कहा है ओशो रजनीश जानते हो ना ओशो ने कहा है कि दुख जो है उसका कारण हम स्वयं हैं हम हमेशा ही भविष्य की सोचते हैं और वर्तमान में क्या हो रहा है हम भूल जाते हैं कभी हम भूतकाल के बारे में परेशान होते हैं लीव इट यार वर्तमान के बारे में सोचो
अरे नहीं नहीं नहीं, तुम ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर से मिलोगे तो काम हो जाएगा, मैंने सब कुछ बता दिया है। मीटिंग की डिटेल मुझे मेल करो, ठीक है? अगले महीने 10 तारीख के पहले क्यूटेल का पूरा डिटेल सबमिट करना है। चाहे हाँ लाओ तो, यहाँ बैठो आराम से। तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? जो हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। अरे पगली, जरा सोचो तो, यूएई में पहला मलयालम चैनल, ये बहुत बड़े साहस की बात है। अच्छी तरह सोच समझ कर ही मैंने ये फैसला लिया है। ये वहाँ यूएई में पिछले 10 सालों से मीडिया में काम कर रहा है और ये खुद मेरा साथ देने के लिए तैयार है। एक बार सोचो तो। शुरू करेंगे तो साथ देने के लिए 4-5 इन्वेस्टर्स रेडी है। हम लोग उन लोगों से बात कर चुके हैं, तुम्हें फिक्र करने की इतनी जरूरत नहीं है। इट्स माई ड्रीम, तुम्हें पता है ना, आधा रास्ता तय कर चुका हूँ। मुझे कंफ्यूज मत करो प्लीज। सब लोग आ गए ना, प्ले करके दिखाओ। शीशा बिन मोहम्मद आज टॉप 10 में हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ जो अंकल बोलिए। क्या रे, प्रवास ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है अंकल, अगर ऐसे ही चला तो चैनल से हम सबका पत्ता ही कट जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब टाइम मिला तुम्हें फोन करने का? अरे हाँ, यहाँ आने के बाद फोन करने का टाइम ही नहीं मिला। तुम जानती हो यहाँ बहुत सारा काम है। बिटिया सो गई क्या? जरा उसे फोन दो ना। वो सो गई है। अरे जरा उसे बुलाओ ना, उसे बात करने का मन हो रहा है। अगर बच्ची से बात करने का मन है तो कल फोन करो। ये भी ना, बाहर से आकर यूएई में बिजनेस करने वाले लोगों को यूएई के फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्हें अपने अपने देश वापस लौट जाने को कहा है। पुख्ता सबूत ना होने की वजह से यूएई में मौजूद तकरीबन 2,00,000 लोगों को यूएई की सरकार ने उन्हें उनके वतन वापस लौट जाने का निर्देश दिया है। इस सिलसिले से देखा जाए तो जो लोग बेरोजगार हुए हैं उन्हें मजबूरी में अपने देश वापस लौटने के लिए बेबस होना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों से बात करके पता चला कि लोग तकलीफ में है। हमारे चैनल प्रवासी न्यूज ने इन सब से बात की तो इंडिया की एक ट्रैवल एजेंसी ने 100 लोगों को ऐसे फेक वीजा देकर यहाँ भेज दिया है। ऐसी हमें बिल्कुल पुख्ता खबर मिली है। यूएई के कंस्ट्रक्शन में काम में लगभग $582,000 का नुकसान पाया गया है। हालात कब तक ठीक होंगे इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस हालात को देखते हुए इंडिया से आए काफी लोग खाना और ना रहने की व्यवस्था की वजह से आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। ऐसी खबरें रोज आ रही हैं। देखते हैं सरकार क्या कदम उठा रही है। सर, आपकी सपोर्ट से ही हमने ये काम शुरू किया। अब आप ही ना कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ हाँ, मुझे पता है। तो सर, हेलो हेलो सर, हेलो। जॉन सर ने ना बोला। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ मेट्रो का ऑर्डर कैंसिल हो गया। हेवी लॉस। अभी 5 पैसा भी नहीं लगाने का बोल रहे हैं। एक एक करके लोग साथ छोड़ रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, हॉस्पिटल में हूँ। हाँ, आ गई क्या? आनंद, 5 पैसे भी हमारे पास नहीं है। ऐसे समय में पापा को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन दे रही हूँ। ये सोचकर मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। You showed this much time, but it's over. I can't do anything. सर सर,
We are not asking behalf of this. You had told many times for this, but you didn't do it. So I stopped this for the last time. Please leave the place. Hello? अरे एक अच्छी पार्टी देनी होगी. रेवती की डिलीवरी हुई है, बेटी हुई है, सुबह के 4 बजे हुई है. हाँ, हाँ मैं फोन रेवती को देता हूँ, ये लो. हेलो 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 जब रात को मैं फ्लैट में गया तो रेवती को कॉल किया, पर उसने उठाया नहीं. फिर अपने साले को कहा कि उसे बात करवा दो, लेकिन उसने बात ही नहीं की. ऐसे माहौल में अभी अभी एक खबर मिली है कि बिजनेस में लॉस खाए एक इंडियन ने खुदकुशी कर ली है. पेट्रोलियम मंत्रालय के अंडर में काम करने वाला रफीक मोहम्मद नाम के इस शख्स. अगर ऐसा ही चला तो हमारा भी राम नाम सत्य हो जाएगा. यूएई में कंस्ट्रक्शन के काम पर लगी हुई कुल राशि $582 मिलियन का काम रोक दिया गया है. फिर कॉल आया तो बात करो. हेलो ओके आई ट्राई. क्या हुआ? 2 दिनों के भीतर क्यूटेल में ड्यू पे करना होगा, नहीं तो चैनल का लाइसेंस रद्द हो जाएगा. तुम मोहम्मद अली से एक बार वापस बात करके देखो ना. कुछ फायदा नहीं, बहुत लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, मोहम्मद अली का भी 2 यूनिट का काम बंद पड़ा है. अब हम क्या करेंगे? किसी स्टाफ का पेमेंट भी नहीं दिया अभी तक, क्यूटेल का ड्यू भी नहीं भरा, सर पे बहुत कर्ज हो गया है. कुछ तो करना पड़ेगा. कोई ऐसा है क्या जो हमें ब्याज पे पैसे दे दे? हाँ है, पर उनकी पॉलिसी बहुत खराब है. ये सब सोचने का वक्त नहीं है, कैसे भी अपना काम निकालना है. टूट गए, उम्मीदें भी टूट गई.
पैक करके तुरंत रेडी हो जा। क्यों? क्या हुआ? कल तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है, ऐसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। शायद बैंक वालों ने कम्प्लेन की है। अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। तुम्हें इंडिया भेजने की मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। फटाफट तैयार हो जाओ तुम। अभी तो शुरू हुई है आनंद रमन के प्यार की स्टोरी। तो क्या कहा था आपने? दुख को त्याग के वर्तमान में जियो, प्यार का आनंद लो। हे भगवान, बिना कुछ बताए बगैर कैसे? हाँ, वो जल्द से जल्द आना पड़ा। खाने के लिए कुछ लाऊं क्या? नहीं, मैं जरा सोऊंगा। हेलो, इज़िन, हाँ मधुला, मालिश मालिश मदे आईवा। तुम किसी से डर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? अपना चैनल यहाँ चलेगा ना भैया? चलेगा, पर पैसा ज्यादा लगेगा। पहले उधर का अच्छा चलने दो, फिर बाद में देख लेंगे। बाहर खेलते पारो बेटी। ओ, जरा इधर आओ। पापा आ गया तो मामा को भूल गई। इधर आ रहे हैं, बहुत बोर हो रहे हैं, खेलने दो हमें। हेलो, हाँ बोलो ना। देखो, मेरा मतलब है मैं दो हफ्ते में बिल्कुल ठीक कर दूंगा, सच में। साहब जब तक नहीं आएंगे हम सब यही इंतजार करेंगे। चलो रे, वहां जाके रुकते हैं। मेरे पास अभी यही है, अभी घर में कोई गैर आदमी नहीं आना चाहिए। ये लो, चैनल शुरू करने के लिए जो बैंक से लोन लिया था उसके लिए बैंक से नोटिस आई है। नीतीश ने मुझे फोन किया था, कल से मैं चैनल ज्वाइन कर रही हूँ। भाई, दो चाय देना। हाँ, हाँ। सुन, अभी के लिए अपना घर बदल ले। कलमबोली में मेरे दोस्त का एक फ्लैट है, तुम लोग कल ही वहाँ शिफ्ट हो जाओ। रेवती नए चैनल में ज्वाइन हुई है ना, उसके लिए वहाँ से आना जाना अच्छा रहेगा। और ये पैसों की तंगी की वजह से सब तुम ही परेशान नहीं हो? मन को शांत रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तुम अभी सिर्फ शिफ्टिंग के बारे में सोचो। ईरान सरकार अपना फैसला सुनाने में देर कर रही है
और अपनी बातों से चिंगारी उगल रही है। आतंकवादियों के हमले से अब तक लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी पापा, है। पुलिस की निगरानी में रहने वाली पब्लिक की भी मौत हो चुकी है। एक ही समय पर दोनों जगह पर हमला हुआ है। सरकार प्रशासन इसकी जांच में जुट गई है। इस वारदात में अब तक 22 आतंकवादियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुछ की तलाश जारी है। सरकार की तरफ से हमें ऐसी सूचना दी गई है। हेलो, ए झूठे, अगर तूने हमारा पैसा सीधी तरह से वापस नहीं किया ना, तो तेरा हाथ पैर तोड़ के अपाहिज बना देंगे। तू अपने बीवी बच्चे को बीच रोड पे देखना चाहता है क्या? सैम भाई, वो मैं आखिरी मौका देता हूँ, अगर नहीं दिया तो सोच ले, मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो अंजाम क्या होगा ये तू अच्छी तरह से जानता है। विदेश से विमान हायर करने के लिए हमारी सरकार ने वहाँ की सरकार से बातचीत की है। जैसा आपने कहा, अगले हफ्ते मिलते हैं। ओके, देन सी यू। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, आजकल हाथ बहुत तंग है, ऐसे में पैसे का जुगाड़ कर पाना फिर कभी होगा तो जरूर करूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, चलता हूँ। सिस्टम और घर चेंज करके कब तक जिएंगे? क्या करूं मैं? बताओ तुम। मेरी एक गलती की वजह से यह सब हुआ। इन सब की जड़ मैं ही हूं। उधर के बैंक से लिया गया लोन तो थोड़ा संभाल सकते हैं, थोड़ा नेगोशिएट करके, थोड़ा टाइम लेके धीरे धीरे चुका सकते हैं, लेकिन इधर के ब्याज वाले तो जान ले लेते हैं। पैर पकड़ो तो भी सर पे सवार हो जाते हैं। चैनल में काम करके थोड़ा बहुत संभाल सकते हैं, लेकिन इन लोगों का तो 10 लाख के ऊपर ही देना पड़ रहा है, वो भी 2 दिन के अंदर। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ऐसे में मुझे एक रास्ता दिख रहा है। बच्चों के लिए जो मेरे माता पिता ने जमीन रखी वही तुम्हें बेचनी है ना? यही तुम्हारा रास्ता है ना? नहीं बेचने दूंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी तब भी नहीं। आपने प्यार के बारे में कहा था ना, 5 साल उससे प्यार करके शादी किया है मैंने। आपको पता है, पता है आपको, एलसी चैनल जब मैंने शुरू किया था उस वक्त मैं नल का पानी पीता था, मिनरल वाटर नहीं पीता था। उस पैसे को बचा बचा के मैं उसे भेजता था। मेरी बीवी बच्चों को जो सुविधा नहीं मिलती थी वो मुझे नहीं चाहिए थी मुझे। इस बात को वो कभी नहीं समझी। इतनी मुसीबतों के बावजूद मैं खुद को खड़ा करना चाहता था, जो भी नुकसान हुआ उसे फिर से हासिल करना चाहता हूं। समझा के थक गया, फिर भी वो नहीं मानी, मानेगी भी नहीं। गलती मेरी ही है, अब तक मैं बीवी बच्चों के बारे में ही सोचता था, उसकी क्या गलती है? और आप भी बार बार पूछ रहे थे ना कि क्यों फोन को बार बार उठाकर देख रहे हो। नया सिम है, इसका नंबर एक मेरे पास है या फिर मेरी बीवी के पास। मुझे घर छोड़े हुए 2 दिन और 2 रात गुजर चुकी है, लेकिन अभी तक जिंदा हूं या मर गया हूं ना कोई फोन आया ना कोई मैसेज। आएगा भी नहीं, जानता हूं मैं। उसका एक कॉल या मैसेज आया होता तो मैं वापस चला गया होता, लेकिन उसने बुलाया ही नहीं। क्या कहोगे इसे? तुम
तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी बीवी को जान से मार देना चाहिए। मार दूं क्या? पिया मैंने, टाइट तुम हो गए। भाई 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 आप जाकर सो जाओ। अरे रुको। क्या है? कल तुम मेरे साथ आओगे क्या? अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे, जिससे तुम अपना कर्जा भी चुका सकते हो, समझे? आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आऊंगा क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हो। चलो चलता हूं। ऑन था सर, मुझे लगता है एक्सीडेंट का यही कारण है। सर सर मुझे और कोई दूसरा कारण नहीं लगता है सर। सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया सर। ठीक है सर। जल्दी तुमने एक कार कहां से अरेंज कर ली? तुम मुझे इतना मामूली इंसान भी मत समझो। आज तुम बहुत रिलैक्स लग रहे हो। हाँ, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। Mankind was born on earth. It never meant to die here. हिंदी के हर फिल्म का हीरो यही कहता है, लेकिन अब ये मैं कह रहा हूं। ये तो बहुत बड़ा है। रघु भाई का घर? रविचंद्रन, उसका नाम है रविचंद्रन, अय्याशी के रघु भाई, हिल टॉप रघु भाई, कर्नाटक में 5-स्टार होटल खोल चुका है। नया प्रोजेक्ट कारवार में है। समुंदर के किनारे 10 एकड़ में उसका फार्म हाउस है। बेसिकली आई एम एन आर्किटेक्चर, बट आर्किटेक्चर इज माई पैशन। ऊफर की बेटी अनामिका मेरी फेसबुक फ्रेंड है, उसी के जरिए मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है। इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी कर चुका हूँ। बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर हमें मिल जाए तो परिवार बच जाएगा बेटा। ये लो। अभी तुम ड्राइविंग करो, मैं ज़रा आराम करूँगा, ठीक है ना? अच्छा। आ, 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 आ,
से फिर सुनो बस चलो वैसे हम फेसबुक पे काफी बार मिल चुके हैं पर सामने पहली बार मिल रहे हैं। प्लीज कम। हेलो पापा। जॉन। हेलो। इसकी तो रनिंग केमिस्ट्री अभी तक रुकी ही नहीं। जॉन कारवार में आ चुका है तो मतलब मंगलापुरम में आ चुका है, लेकिन ये तो सरप्राइज हो गया। आप जॉन हो, बताया ही नहीं। आज इसका बर्थडे है। ओह रियली? मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। Anyway, no more discussion. Just go and celebrate. Okay. Meet my friend Anand Raman. Mere associate. Hi. Glad to meet you. Let them get fresh now. Beti, ise apna ghar dikhao. Okay, let's go. Please. रिपोर्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, गले में एक मार्क है, शायद वो सीट बेल्ट का है, और उनके ब्लड में अल्कोहल पाया गया है। Thank you.
सर, मरने से आधे घंटे पहले अपने बैंक में रखे हुए सारे पैसे, मतलब 32 करोड़ नाइजीरियन के एक अकाउंट में मैडम ने खुद ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। सर यही है वो नंबर। मनी ट्रांसफर के सिलसिले में एसपी ऑफिस में एक इंक्वायरी आई थी। ये तो छोटा सा यूजुअल ट्रांसफर है, इसलिए मैंने संभाल लिया, वरना। हेलो रघु भाई, मैं खुराना। खुराना तुम किधर हो? मैं अभी यहाँ कोचीन में हूँ। मैंने तुम्हें 2-3 दफा तुम्हारे पुराने नंबर पे कॉल किया था। कौन है? खुराना इस वक्त तुम कहाँ हो? तुमसे तो बात किए हुए लगभग 6 महीने हो गए। चलो अब जाके तुम्हें मेरी याद आई। रीना है क्या बाजू में? रीना को फोन दो जरा। हेलो हेलो, व्हाट हैपेंड? रेनू मर गई। व्हाट? दुर्घटना हुई है करके पुलिस बोलते, लेकिन मरने से सिर्फ आधा घंटा पहले अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मुझे कुछ डाउट लग रहा है यहां पे। हेलो, थोड़ा होल्ड करना। क्या कर रहे हो? मुझे पहचान गए हो ना? अब मुझे क्या करना है? जो चाहिए ले लो, हम लोगों को मत मारो, हम लोगों को छोड़ दो प्लीज। Do you have a gun? Do you have a gun? Do you have a gun? Yes, yes, yes. We have. Leo. Oh.
हमें मत मारो प्लीज। तुम तीनों के अकाउंट में जितना भी पैसा है मैं जो अकाउंट नंबर दे रहा हूँ उसमें ट्रांसफर करो। सिर्फ आधा घंटा पहले अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए, सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए, सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। डू इट पापा, डू इट। चलो लिखो। लिखो मैं जो कह रहा हूं। पैसों की कमी के कारण मैं मजबूर हो गया आत्महत्या करने के लिए। पैसों से भी कीमती है जिंदगी, है ना रघु भाई? हेलो। बैग लेकर जल्दी से ऊपर आओ। क्या बात है? हेलो क्या हुआ? Thank you.
थैंक यू. व्हिच फ्लोर? ग्राउंड फ्लोर. थैंक यू. सेम टू यू. हाँ, फॉर व्हाट? तुम्हारी खूबसूरत हंसी के लिए. How is my home? It's beautiful. जितनी खूबसूरत तुम हो उतनी ही खूबसूरत तुम्हारी सोच है. Thank you. इस घर को देखते हुए लगता है इंडस्ट्री में तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा. मैंने बोला था ना जॉन के बारे में, हम दोनों ने एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन किया है. You want to talk to him? Hey, no, no, no. Okay. No. Okay then. Bye. हस्बैंड कहाँ है? सिंगापुर में है, अगले हफ्ते आ जाएंगे. उसके बाद 2-3 महीने US में रहेंगे. Oh my God. क्या हुआ? मुझे तो यकीन नहीं होता कि इतनी खूबसूरत बेबी होने के बाद इंसान दूर कैसे रह पाता है. Oh God, it's 3 o'clock. John, oh John, चलो लंच करते हैं. हम ग्राउंड प्लाजा जाएंगे क्या? किस लिए? If you don't mind. अगर मैं आपके लिए खाना बनाऊं तो? Really? बहुत अच्छा और बहुत स्वादिष्ट खाना तुम्हारे लिए बना सकता हूं. As could I see you? चलिए. कहाँ खो गए? I'm sorry. It's 6 o'clock. जाना है ना हमें? हाँ, ठीक है. 7 बजे मीटिंग है, बोला था ना? मैंने वो कैंसिल कर दिया. Why? Because of you. No. क्यों? Hey, come on. No, please. Please.
सुनो फोन उठाओ ना। पासवर्ड मैथ्यू मैथ्यू 1 2 3 पैसा और जिंदगी इनमें से जरूरी क्या है क्या आप बताएंगे? प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। टेल मी, समय बर्बाद मत करो, मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे जवाब दो। घूमने जा रहे हैं। कम ऑन, हमें ड्राइव पे जाना है। इतना पसीना क्यों छूट रहा है? तुम्हें डर लग रहा है? पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन।
एक कॉफी। तुम एक क्रिमिनल हो, मर्डरर हो, जो भी हो, लेकिन तुमने मुझे इस चक्कर में क्यों फंसा दिया? कारवार में मैं लेकर नहीं आया, नहीं आया मैं, भगवान ने तुम्हें, भगवान ने लाया है यहाँ। पूछो उसे क्यों लाया। हेलो, तुम किधर हो? कितने दिन हो गए, फोन तक नहीं किया तुमने। तुमने जो नंबर लिख के दिया था वो भी कहीं खो गया मुझसे। किधर हो, कैसे हो, मैं बेचैन हो रही हूँ। कुछ मत कहो, जल्दी आ जाओ। अपनी पूरी जायदाद बेचकर सारे कर्जे चुका देंगे। तुम ये सब सोचकर परेशान मत हो। तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, तो उनके जगह पर हम लोग हैं ना। तुम्हें कुछ तकलीफ हुई थी तो पहले हमें बताना चाहिए था ना। वो बैच वाले का नाम क्या बोला था बेटी? हाँ, साइमन। मैं उसे इधर ही बुला लेता हूँ। हमने उधार लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। अब अगर अपनी जबान से पलट जाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी।
तुम्हें कारवार में मैं लेकर नहीं आया, हारवार नहीं आया, लेकर नहीं आया, नहीं आया भगवान ने, तुम्हें भगवान ने लाया है यहाँ। पूछो उसे भगवान ने लाया, क्यों लाया, पूछो उसे क्यों लाया, पूछो उसे क्यों लाया। इसे कहीं पर भी बेचकर पैसे ले आओ, टाइम खत्म होने वाला है सुभाष, रख लो। सर मैंने ही फोन किया था। सुभाष आइए सर बैठिए। किसी का कुछ संबंध नहीं है, लगता है आत्महत्या है। अच्छे से देखने से पता चलता है, देखने में तो सब कुछ ठीक है, लगता है इनका ही काम है। आराम से बैठ कर देखिए। हम लोगों ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, किया है। मीट माय फ्रेंड आनंद रामन, मेरे एसोसिएट। चैनल चल रहा है, वो आपका है, नंबर पता करो, किसी भी समय मुझे फोन करो, अर्जेंट।
हाँ बोल। सुबह ही जाकर के मिल के आया था, उसे तो न्यूज एडिटर की जरूरत है। कुछ भी होने दे, कहीं ना कहीं तो काम करना ही है ना। नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम खुराना, त्रिवेंद्रम में ठहरा हूं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइए बैठिए। जरा गर्म पानी मिलेगा? चाय ले आऊं? कल पूरी रात फुल नाइट ट्रैवल कर रहा था। मैं काम की बात करता हूँ। ये मेरी वाइफ है। कार के अंदर एसी में दम घुटने की वजह से इसकी मौत हो गई। कारोबार में हमारे एक फैमिली फ्रेंड भी था, हिलटॉप रघु भैया। रघु भैया और उनके परिवार खुदकुशी कर लिया 13 दिन पहले। रघु भैया ने मरने से पहले वहां पर एक पार्टी हुई, उस वीडियो में आपको देखा, जॉन भी वहां था। उसके साथ आप वहां क्यों गए थे, आपका क्या संबंध है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि उसका अगला शिकार मैं हूं। चाय। मुझे मरने से डर नहीं लगता। I am mentally prepared for that. इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। जॉन अभी कहाँ है? उसका कोई फोन नंबर? मेरी आंखों के सामने तीनों की जान, लेकिन ये मुझे पता नहीं था सर। मेरी बच्ची की कसम मुझे पता नहीं, वो कौन है, क्यों उसने ऐसा किया, समझ में नहीं आ रहा है। उसका एक फोन नंबर है मेरे पास, लेकिन कई बार मैंने ट्राई किया पर लग नहीं रहा है। तो मैं चलता हूं सर। हाँ, हम लोग पुलिस में जाए तो? पुलिस और कोर्ट से कुछ होने वाला नहीं। हाँ, अगर कभी जॉन ने फोन किया तो मुझे बताना, ये लो मेरा नंबर। चलता हूं। सर।
अंदर बैठते हैं। कल कारवार में था, काफी लंबी जर्नी थी। Shall I prefer some time? शायद अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि कारवार और यहाँ पे तुम्हें कौन लेके आया। देखो जॉन, तुम लोगों के बीच कुछ सीरियस इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन तुम जो कर रहे हो उसे काम सुधरेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। किसी बात के लिए किसी को मार डालना, ये कौन सा तरीका है? ओके जॉन, तुम खुद को और मुझे देखो। उस ट्रेन यात्रा के पहले हम दोनों अजनबी थे, फिर हम दोनों यहाँ क्यों? आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ? इंतजार करना पड़ा। जब मैं आया, जॉन भी यहाँ आ गया था। सुभाष, सर, 3 चाय लेना। सॉरी, मुझे नहीं चाहिए। चलो वहां बैठते, हवा अच्छी आएगी। इस घर को खरीदे कितने महीने हुए? 2 साल। ब्यूटीफुल हाउस, इंटीरियर वर्क बहुत अच्छा है। सब रेनू की पसंद है। ब्लैंक्स, कर्टन्स, फीनिक्स, लैंडस्केपिंग, एवरीथिंग। सच कहूं तो मेरी वाइफ भी ऐसी ही थी, घर ही उसका सपना था। लेकिन वो यहां पर नहीं, आसाम में, ब्रह्मपुत्रा के बगल में। वहां मैंने 2 एकड़ जमीन खरीदी है। रिटायरमेंट के बाद सोच रहा हूं वहीं रहूंगा। सुभाष, तुम घर जाओ। सर, कुछ जरूरत हो तो बताइए। मेरी बीवी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी जब मुझे मलेशिया जाना पड़ा। लेक ऑफ पार्क प्रोडक्शन में मैं क्रिएटिव हेड का काम कर रहा था। 1.5 साल से पहले छुट्टी नहीं मिलती थी। दिन में 4-5 बार स्काइप पे बात करके दिल को, मन को तसल्ली देता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि फ्लाइट पकड़ के उसके पास चला जाओ, मगर वो कहती थी, जो काम नहीं करना हो वो मत किया करो। अगर वहाँ से काम छोड़कर भाग कर आए तो आपको उन्हें कितना नुकसान भरकर देना होगा। पता है क्या तुम्हें, पहले वहाँ का काम पूरा करो, फिर बाद में आराम से वापस आ जाओ। यहाँ पर माँ है, पापा है, डॉक्टरों की फौज है, फिर किस लिए डर रहे हो? What happened? I just want to tell you something. I have shocking news for you. I'm so excited. देखो मजाक मत करो, बताओ मुझे क्या हुआ? मेरे पेट में 4 बच्चे हैं। क्या? मेरे पेट में तुम्हारे 4 बच्चे हैं। Really?
बंदा। शायद तुमको पता नहीं मगर मैं तुम्हारा कर्जदार बन गया हूँ। 46 ईयर का सेलिब्रेशन। तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। यही मौका है सेलिब्रेशन करने का। मैं बाप बनने वाला हूँ। आखिर वो दिन आ ही गया। मैनी कॉन्ग्रेट्स मिस्टर जॉन डेविड, यू आर वन ऑफ द लकीस्ट फादर इन द वर्ल्ड। थैंक यू। बट रिमेम्बर फॉर गॉड सेक। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। ओके गुड। थैंक यू। बाय। माय गॉड। मैं हर पल हर समय अपनी दुनिया सपनों में जी रहा था। घर में, ऑफिस में, कार में, हर समय मैं अपने बच्चों को देखता था और जब भी मौका मिलता था मैं स्काइप पे उनसे बात करता था। ये चारों बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही। चारों एक ही साथ सोएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी एक को सुला दो तो चारों सो जाते हैं। माँ नहीं है क्या? माँ किचन में बच्चों का दूध रेडी कर रही है। तुम इधर आ जाओ, चारों तुम्हें देखकर मैं जरा चैन की नींद सोऊंगी, समझे ना? हाँ ओके। मेरी बीवी चाहती थी कि हमारे बच्चों का बर्थडे हम हमारे घर में मनाएं। मैं भी वही सोचता था, इसके लिए मैंने वीजा के लिए अप्लाई भी किया था। मुझे लगा कि अब हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। देखो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इंडियन है, ना पासपोर्ट ना वीजा कुछ भी नहीं है। इनके बीच में ही पिताजी अंकल से मिले थे, दोनों साथ में आसाम में कभी काम किया करते थे। आंटी और उनकी बेटी भी साथ में है। सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। हे सुनो, रघु अंकल और उनका फ्रेंड हमारे यहाँ आए हैं। पापा ने उनको स्पॉन्सर करने का फैसला किया है, उन्हें वापस उनके गांव भेजने के लिए। मैं जरा बच्चों को कुछ खिला के वापस आती हूँ। ठीक है, बाय। अच्छा सुनो, उनका टिकट भी रेडी हो गया है हमारे साथ की फ्लाइट का। वैसे हम इंडिया ही जा रहे हैं तो सोचा उन्हें भी साथ लेकर थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ। जैसे ही उन्हें उनकी टिकट मिली, उनके चेहरे को देखते ही पता चल रहा था कि वो कितने खुश हैं। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। उनकी दुआ हमारे बच्चों को लगे, अच्छा हुआ ना? वही थी उसकी आखिरी कॉल। उसके बाद दो दिन हमारी कोई बात नहीं हुई और तीसरे दिन खबर आई कि जोसफ और उसके परिवार ने खुदकुशी कर ली। पिताजी तकलीफ में हो और वो आत्महत्या करे, इस बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे पता चला कि उनके अकाउंट का पैसा कहीं ट्रांसफर हो गया है उनके मरने से आधा घंटा पहले। उनका सिंगापुर कंपनी के साथ कोई केस चल रहा था। इन सब बातों को सोच के मुझे लगा कि आत्महत्या नहीं है, पर पुलिस के तहकीकात में उन्होंने कुछ मेल चेक किए और उन्होंने ये डिसीजन दिया कि एक आत्महत्या है और केस क्लोज कर दिया। अगर मुझे नहीं लगता ये सच है। इन सब बातों का मुझे कोई जवाब नहीं मिला और सोचते सोचते एक साल निकल गया।
जनाब कोई तकलीफ? वालेकुम सलाम, आई एम स्लीपिंग। कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी। ठीक है। डेवलपमेंट के क्वार्टर्स में रहने वाले जॉर्ज जोसेफ इंडिया के हैं। खुद की गाड़ी में दम घुटने की वजह से मारे गए। जोसेफ खुद की गाड़ी में ही मरे पड़े हैं। जोसेफ की बीवी मारिया जॉर्ज और उनकी बेटी हन्ना भी साथ में थी। उनकी बेटी हन्ना के 6 महीने के 4 बच्चे गाड़ी के अंदर मरे पड़े थे। देखा जाए तो एयरपोर्ट जाने की जल्दी में सारे लोग अंदर फंस गए। ये कार के लॉक सिस्टम की वजह से सारे लोगों की मृत्यु हुई है। पुलिस का यही कहना है। जोसेफ जॉर्ज और उसके परिवार ने आत्महत्या की है। ये एक दुर्घटना है। पुलिस ने ऐसी रिपोर्ट जारी की है। ये प्रवासी चैनल इस मौत की हर छोटी छोटी बात को जनता के सामने रखता रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा। जोसेफ जॉर्ज और उसके परिवार की आत्महत्या का पूरा सच आपके सामने आएगा। प्रवासी चैनल इस मौत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। ये एक एक्सीडेंट है या कोई साजिश? गाड़ी के लॉक सिस्टम की वजह से मौत हुई, ऐसा पुलिस ने रिपोर्ट किया है। फिर भी यहाँ के ऑटोमोबाइल्स एक्सपर्ट वालों का और सिटी के लोगों का कहना है कि लॉक खोला जा सकता था और खुद को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था। इसके बावजूद ये घटना कैसे घटी, इस विषय पर अभी भी संदेह है। मुझे लगता है इन सब के पीछे कोई राज जरूर होगा। प्रवासी न्यूज चैनल ने 3 दिन के अंदर ही इस मौत की जानकारी जनता के सामने रखी थी, मगर अगले ही दिन ये मौत नहीं आत्महत्या है, ऐसा रिपोर्ट उन्होंने दिया। बिजनेस में भारी लॉस होने की वजह से जोसेफ जॉर्ज ने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली, ऐसा उसके जान पहचान वालों का कहना है। यही इशारा हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का भी है। प्रशासन की वजह से जोसेफ जॉर्ज को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए वो मजबूर था इस तरह का कदम उठाने के लिए। सिंगापुर में एक कंपनी के साथ उसकी एक बहुत बड़ी डील का सिलसिला चल रहा था और शायद यही वजह है उसकी आत्महत्या का, ऐसा लोगों का मानना है। मरने से 1 घंटे पहले उसने अपने अकाउंट के सारे पैसे सिंगापुर की 2 कंपनियों में ट्रांसफर किया है। सूत्रों से पता चला है कि वो आजकल काफी दबाव में थे और शायद इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। और तब मुझे इस खबर से छुपे हुए सच को ढूंढने का एक नया रास्ता मिल गया। चैनल तो बंद करके 5-6 महीने हो गए। आनंद कहाँ है मुझे कुछ पता नहीं, पर उसके साथ काम करने वाला एक शख्स जो शारजा में है, अगर उससे पूछे तो कुछ पता चल सकता है। उसके बाद आनंद गांव चला गया। तब से अब तक मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। उसका एड्रेस और फोन नंबर तक बदल गया है। जब जोसेफ जॉर्ज की मौत की खबरें आ रही थी तब जोई ने मुझे एक बार में बुलाया था जब चैनल में प्रॉब्लम चल रही थी, पर उस दरमियान हमारी किसी ने मदद नहीं की। पर अचानक कुछ पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। क्या डिमांड थी उनकी? मुझे पता नहीं, आनंद रमन के साथ डायरेक्ट डील थी। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट चला रही थी रेनु खुराना, वो मेरी दोस्त थी। रिसेप्शन के वक्त उसे एक आइडिया आया। जोसेफ जॉर्ज और उसके परिवार की मौत के वक्त गांव से रेनू ने मुझे फोन किया। जॉय भाई मेरी बात सुनो, वो आनंद रामन है ना, उससे आप एक डील करो, पैसा जितना भी चाहिए मैं वहां भेजती हूँ। उसके बाद उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए और मैंने आनंद रमन को दे दिए। पहले मैं उसे मिला नहीं, पर चैनल में हो रहे प्रॉब्लम की वजह से उसने खुद मुझे फोन किया और यहाँ आया और अपनी दी हुई रिपोर्ट से मुकर गया। रेनू खुराना अभी कहाँ मिलेगी? कोचीन में। तुम यहाँ क्यों हो, इसका जवाब मिल गया ना तुम्हें? वो मुझे
चार बच्चे, बीवी और उसकी माँ बाप, ये मेरे लिए एक परिवार नहीं था बल्कि मेरे लिए एक दुनिया थी। मेरी वो दुनिया खत्म हो चुकी है। मुझे हर सच सुनना है, वो भी तुम्हारे मुंह से। छोटी खुशी ये चेहरे पे क्यों है, दिल की बात ये जुबा पे ही क्यों है, क्यों ऐसे हम जी रहे हैं, आंसू को क्यों पी रहे हैं, तू ही बता दे जिंदगी क्या चाहती तू। दुख तकलीफ से परेशान इज्जत गंवाने के बाद सुसाइड करने जैसा हर वक्त मेरे पर गुजर रहा था। ये क्या शाहजी इस टाइम पे फोन कर रहा है? सिर्फ साजी ही नहीं, पैसे मांगने वाले सारे लोगों ने फोन किया। लेकिन किसके लिए? अरुणव का उधार मैंने जाकर चुकाया, उन्हें पता चल गया होगा। उसी टाइम पे रघु भाई ने मुझे बताया कि वो जोसेफ सर से मिलकर कुछ बातें करेंगे। डूबने वाले जहाज को एक रास्ता मिल गया, ये सुनकर थोड़ी राहत मिल गई। जोसेफ सर बोले जैसे रघु भाई उनके घर की यात्रा में हम सबको साथ लेकर गए। वो अच्छे इंसान, हमको सारी सुविधाएं दी और इंडिया आने के लिए टिकट भी, और साथ ही साथ रहने के लिए घर भी दिया। तुमने हमारे वीआईपी को देखा क्या? नहीं। आ जाओ दिखाता हूँ, चलो। ओ मेरे बच्चे, चुप हो जाओ। आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैंने दरवाजा बंद किया था। आ जाइए आ जाइए। ओ मेरा बेटा। उस दिन शाम को सारा सामान पैक करके हम सब जोसेफ सर के घर पे चले आए। प्लीज कम। प्लीज। थैंक यू। ये है अंकल का रूम। पचपन डिग्री में जलते हुए आग से जोसेफ सर के ठंडे बंगले में घूमते वक्त हमारा खोया हुआ घर हमें याद आ गया। हम यहीं रहने लगे। तुमने क्या सोचा घर जाने के बारे में? मरने के लिए उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया जाकर कैसे जिएंगे? पैसे देने वाले रात दिन फोन कर रहे हैं, सबके पैसे देने हैं। अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? फिर मैं उन लोगों के साथ। किसी भी तरह इंडिया जाने की सोच रहे थे टिकट हाथ में आने तक। अभी सोच के दिमाग खराब हो रहा है। दो तीन प्रॉपर्टी खरीद रखा था, वो भी बेच दिए। महल जैसा एक घर है, वो भी अपनी बहन के नाम लिखकर रखा है। अभी जाकर उस छत के नीचे सोना पड़ेगा। मैं उधर नहीं रहूंगी। तो फिर कहाँ जाओगी? चुपचाप खड़ी रहो यहीं पे। पांच पीढ़ियों तक खाने की जायदाद
जोसेफ सर के पास है। हमारी खोई हुई जिंदगी वापस पाने के लिए ये हमारे हाथ में आ जाए तो क्या तकलीफ है? चोरी करोगे? जंगल की कसम, भूख लगने पर शिकार करके खाने में कोई बुराई नहीं है। इस हालत में इधर भी और गांव भी जाकर हिम्मत और ताकत दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब जिंदा रहने के लिए दोनों में से एक फैसला होना चाहिए। की गर्दन पर रखा चाकू थोड़ा दबाया तो बस मर जाएगा। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तुम लोगों को क्या चाहिए? पैसा, तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली का बैंक अकाउंट में रखा हुआ फुल अमाउंट। मैं जिस अकाउंट में बोलूंगा उस अकाउंट पे ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूं। एक मिनट भी लेट हुआ तो बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। साढ़े तीन से निकलना है। इधर जो भी चल रहा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बच्चे हमारे साथ ही होंगे। ओ मेरा राजा बेटा, चुप हो जाओ, मत रो। मम्मी गाड़ी में दूध का बोतल रखा कि नहीं? हाँ, लाकर सब रख दिया है। रुको, चलते हैं बेटा, चलते हैं। बच्चे को दे दो। ठीक है, टिकट वगैरह लिया ना? ओके, बाय बाय।
सोच समझकर हम लोगों ने ये कदम उठाया था। वो सचते वक्त अब दर्द होता है, पर उस वक्त कुछ गलत नहीं लगा। इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस एक मिनट में बर्बाद हो गया। कुछ गलत नहीं किया उन सात लोगों का। जीवन हमने लिया, पर उससे पहले एक चिड़िया तक नहीं मारी। उन बच्चों का चेहरा मेरे सामने आता है तब मैं सीना ठोक के यही कहता हूं कि जंगल की कसम, भूख लगने पर शिकार करके खाना कोई गलत काम नहीं। ये सब जो भी किया वो अपने आप को बचाने के लिए किया। अगर नहीं करता तो वो लोग मुझे और मेरे परिवार को मार देते। इसलिए बचने के लिए कोई पाप नहीं किया। कुछ नहीं है, बस ये कार और घर है जिसे सुभाष के नाम कर दिया है। ओके, मैं रेडी। कैसे होगी मेरी मौत? मैंने तुमको देख के पहचान लिया था कि तुम कुछ छुपा रहे हो, कोई राज है तुम्हारे दिल में। सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुमने उस न्यूज़ को क्लोज कर दिया। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। गलती हो गई। उस दिन मेरी हालत की वजह से मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सात बेगुनाह लोगों को मारने के बाद भी तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था, है ना? तुम लोगों ने जो भी गुनाह किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि मैं सच बोल रहा हूं? जॉन, भगवान के लिए इसको मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं। पेड न्यूज, इट्स पेड मर्डर। मर्डर से भी बड़ा पाप तूने किया है, तेरे आंखों के सामने। तू इसे मरता हुआ देखेगा, तड़पेगा। यही तुम्हारी सजा है और तुम्हें भुगतनी पड़ेगी।
फिनिश्ड। मिस्टर जॉन डेविड, यू आर फिनिश्ड। लाइव कैमरे के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए मारे गए। सारे लोग फेसबुक के जरिए इस वीडियो को देखकर घबरा गए। डेविड और आनंद रमन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एक साल के मुकदमे के बाद जॉन डेविड को 5 साल की सजा सुनाई गई। आनंद रमन को मीडिया के विचारों का सामना करना पड़ा। किताब लिखकर पहले मैंने अपनी बीवी और बच्चों को सुनाया, और लास्ट पे सुनाने के बाद मैंने उन लोगों से पूछा कि इस कहानी का विलेन कौन है। उन लोगों ने कहा पता नहीं, पर मुझे पता है इस कहानी का विलेन आनंद है। मुझे पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया। आनंद रामन, पत्रिका प्रवर्तक। इफ यू मिस ट्रबल एट जी, आई एम टायर्ड, यू आर इन द परफेक्ट मूड फॉर द जर्नलिस्ट। पहले कहीं भी एक जर्नलिस्ट क्लास में पढ़ते वक्त अपने टीचर्स की बातें मुझे याद है। सच्चाई के लिए लड़ो और मैं लड़ता रहूंगा। आनंद रामन। इधर से चढ़ेगा ऐसा बताया था ना? सर, अरे सर, एक कंप्लेंट है सर। टिकट नंबर बताओ क्या सीट सर? एक जेन्युइन कंप्लेंट है सर। नहीं नहीं, एक ही सीट है तुम्हारी। अरे बोल दिया ना तुमको। कुछ लोग जो है समोसा खा के, सर सुनिए ना, कुछ लोग समोसा खा के पेपर प्लेट बाहर फेंक रहे हैं, ये गलत है ना सर? प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत स्वच्छ अभियान चलाओ, और अगर हम ही प्लेट बाहर फेंकेंगे तो कैसा होगा सर? उसमें कुछ ट्रेन की भी जिम्मेदारी है ना, ट्रेन में डस्टबिन। अरे ये समोसा पकड़ो, सीधा पैंट्री से लेके आया हो। अरे वो तुम्हारा बुक कहाँ है? वाह, पेड न्यूज इज पेड मर्डर, माय सेल्फ ब्रोकन जर्नलिस्ट। सर, इस किताब को लिखने के लिए अवार्ड मिला था, वो इसे मिला है। ये मेरे गांव का है, बहुत अच्छा इंसान है सर। ये बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। इनका नाम है आनंद, और ये आनंद की वाइफ रेवती। टिकट? हाँ, गुवाहाटी। अब हम लोग क्या करेंगे?
ट्रेन से कूद कर मर जाते। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अगर मैं गलत नहीं तो कोटूर के नटराज से। अब मैं सेठ नहीं हूँ, भिखारी हो गया हूँ। चीज इतना पास तक आया था पर हाथ में नहीं लगा। रत्नागिरी, वाड़ा पटना, कुंडलपेटर, लुधियाना, जालंधर, न जाने कितनी जगह घूमा। सर पर शनि था, स्वामी की कृपा से वो अब कम हो गया है। अब हमें गुवाहाटी जाना है, स्वामी वहीं मिलेंगे हमें, वो हमारी तकलीफ दूर करेंगे। वो तकलीफ दूर करेंगे? क्या हुआ? क्योंकि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। इंसान हमेशा भविष्य में जीता है या तो भूतकाल में, इसी वजह से वो बहुत तकलीफ में रहता है। अगर वो वर्तमान में जिए तो उसका भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। जिंदगी बहुत आसान है मगर हमने उसे बहुत मुश्किल बना दिया।